नमोनारायण जी, नमोनारायण जी, नमोनारायण जी, एक बड़ा ही खास आज रेमेडी बता रहा हूँ। एक ऐसा उपाय कि जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं और स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाए कि आपके मन में सुसाइडल ख्याल आने लग जाएं और आपकी ज़िंदगी पूरी तरह तहस नहस होनी शुरू हो जाए, और सिर्फ एक रिलेशनशिप की वजह से, तो आपको अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को बचने के लिए क्या उपाय करना है? जल्दी से ये उपाय कर लीजिएगा। बस ऐसा उपाय है जिसको करते ही आपको रिलीफ मिलनी शुरू होगी और आप इस दुनिया को समझ जाएंगे कि कहाँ पे आपको स्टैंड करना है। होता क्या है, जब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से जब आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं तो आप इतना ज़्यादा क्लोज चले जाते हो, इतना क्लोज चले जाते हो कि हर दो दो मिनट में खाना पीना सब कुछ आप उसको पूछते हो कि हाँ जी बाबू खाना खा लिया आपने, फिर बाबू कहती है आगे से हाँ हाँ बाबू मैंने खाना खा लिया, फिर लड़की पूछती हाँ बाबू आपने आज कौन से कपड़े पहने, तो पूरा दिन जो है ना ऐसे ही बाबू और ऐसे ही लव यू और शव यू ऐसे करते करते एक ऐसा लेवल आ जाता है कि आप एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। और फिर एक लेवल ऐसा आता है कि जब आपके मन में डाउट्स, आपके मन में नेगेटिव थिंकिंग्स आनी शुरू हो जाती है, आपको लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे चीट कर रही है या आपका बॉयफ्रेंड आपसे चीट कर रहा है, तो फिर दिल करता है कि उसको मार दें, बस उसको किसी तरीके से काबू कर लें, फिर किसी तरीके से वशीकरण कर लें, और फिर आप गलत गलत रास्ते पर जाना शुरू करते हैं। या तो आप अपने हाथ को काटना शुरू कर देते हैं या आपको ऐसे चीप काम करते हैं जिससे आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, या आप ऐसे किसी इंसान के चंगुल में फंस जाते हैं, किसी ऐसे बाबा, किसी ऐसे जगह जाते हैं, ऐसे मौलवी, ऐसे ऐसे लोग जो मतलब जो कहते हैं कि जी हम 24 घंटे में बस वशीकरण कर देंगे, ये कर देंगे, 72 घंटे में ऐसे इलाज, फिर आप ऐसे इश्तिहार पढ़ते हैं अखबार में, ऐसे यूट्यूब पे, ऐसे आप सोशल मीडिया में गलत लोगों के संपर्क में जाते हैं और वहाँ आप बहुत बड़ा अपना पैसा और समय और बहुत कुछ चीज़ों का बर्बाद करते हैं, अपने आप को गलत रास्ते पे लेके जाते हैं। तो कारण क्या हुआ कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो रिलेशनशिप है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उसमें घुस चुके हैं और आप नहीं निकल पा रहे, तो मेरा बताया हुआ ये उपाय करें। और दूसरी बात दोस्तों, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जो रिलेशनशिप है ना, ये मैंने देखा बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, इसमें बहुत सारे रिलेशनशिप, बहुत सारी फैमिलीज बर्बाद हो गई हैं। एक लड़की के पीछे आप अपना जीवन तहस नहस कर लेते हैं, एक लड़के के पीछे एक लड़की अपना करियर बर्बाद कर लेती है। तो हमने ऐसा नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल भरोसे वाला नहीं है, आप नहीं फेथ कर पा रहे एक दूसरे के ऊपर, तो उसके लिए आपको वहाँ से निकलने में फ़ायदा रहेगा और आपको दूसरा एक पार्टनर अच्छा मिल सकता है। देखिए, गॉड ऑफ ग्रेस जो होता है तो वही होता है कि जो अच्छे के लिए होना होता है। जैसे गुरुवाणी में एक बात लिखी है, सोचे सोच न होवई जय सोचे लखवार, पुकया पुकना उतरई जे बन्ना पुरिया पार, सैस स्याणपा, सैस मैंने होता है 1000, सैस स्याणपा जे लख होवे ता इकना चले नाल। यानी आप हजारों हजारों प्लानिंग कर लें, होता तो वही है जो ईश्वर की इच्छा होती है। बिना ईश्वर की इच्छा के दोस्तों कुछ नहीं हो सकता। अगर आज आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड छोड़ के जा रहा है, आपका रिलेशन ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब भगवान ने आपके लिए कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी रखी है। आपको उससे भी बढ़िया गर्लफ्रेंड मिलने वाली है, उससे अच्छा बॉयफ्रेंड मिलने वाला है जो आपको प्यार करेगा, जो आपके साथ संबंध अच्छे रखेगा, ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, तभी वो पहले वाला रिप्लेस कर रहा है। अगर वो रिप्लेस नहीं होगा तो भगवान जी आपके पास दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे भेजेंगे? दूसरी अपॉर्चुनिटी आने के लिए पहले वाले को रिप्लेस करना ही पड़ेगा, तभी आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान आपके करियर में चार चांद लगाने वाला आएगा। तो अगर आप ऐसे किसी चीज़ों से आप परेशान हैं, आपको लगता है कि आप बिल्कुल स्ट्रेस में जा रहे हैं, आपको एंजाइटी फील होने लग गई है, होता है क्या, आप एक बार ब्लॉक मार देते हैं उसको। आप कहते हैं अच्छा मेरी गर्लफ्रेंड है, अच्छा आज उसने मेरे से बात नहीं की, आज उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात कर ली, आपको पता लग गया या उसने ही बता दिया, आपके अंदर बड़ी हीन भावना पैदा होगी, आप उसको ब्लॉक मारते हैं। फिर क्या होता है, एक दिन दो दिन आप बहुत स्ट्रेस फील करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, उसको अनब्लॉक करते हैं, फिर आप उसकी डीपी देखते हैं, फिर आप फेसबुक में जाके देखते हैं उसने क्या पोस्ट की है। ऐसा ही है, लड़की लड़के के लिए सोचती है, लड़का लड़की के लिए सोचता है। ये बड़ी ऐसी ऐसी चीज़ें, ये एक लेवल ऐसा आता है जब आपको लगता है अच्छा यार मैं इतना बचपना था मेरे अंदर कि मैंने ये चीप काम किए,
लेकिन वो जो सिचुएशन होती है उसको सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, दूसरा आदमी, आपका पेरेंट या आपका फ्रेंड शायद ना समझ पाए। आपको ऐसा लगता है कि मेरा प्यार है, दूसरा क्या समझे, क्योंकि आप एक ऐसे जोन में होते हो, उस जोन से आपको निकालना मतलब बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उस जोन से बाहर आना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, निकालने वाले के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपको एक मैं उपाय बताऊंगा, ये उपाय आपने छोटा सा रेमेडी ये कर लीजिएगा, बस ये करने से गॉड ऑफ ग्रेस, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से, माँ देवी की कृपा से, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से, आपके दिमाग से वो गंदगी, वो कचरा, वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी, वो नेगेटिव थॉट्स, वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स के जो सोच विचार, वो सब खत्म हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। करना क्या है, आपने एक गुलाब का फूल लेना है, एक गुलाब का फूल लेना है, खिला हुआ मिल जाए तो भी अच्छा है, थोड़ा बंद कली का मिल जाए तब भी चल जाएगा, एक गुलाब का फूल एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से 18 बार यानी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ, लेफ्ट से राइट हैंड की तरफ घुमाना है, और इस गुलाब को घुमाते हुए आप अपने जो रिलेशन, दोस्ती, जो चीज़ें रही है उनमें ये सोचना है कि अब मेरा लाइफ इससे छूट जाएगा, ये मेरी जो नेगेटिविटी निकल जाएगी, मेरे ऊपर जो सामने वाले ने कोई बुरा प्रभाव किया हुआ है वो दूर हो जाएगा, या मैं उसके चुंगुल से बाहर आ जाऊँगा या आ जाऊँगी, ऐसा अपना विचार करना है आपने। अगर आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो, या आप अपने ब्रेन से गंदगी निकालना चाहते हैं तो, आप अपने ब्रेन को रिलीफ देना चाहते हैं तो, गुलाब का फूल एंटी क्लॉकवाइज 18 बार घुमाना है। आप खुद घुमाएं अपने ऊपर से तो मजा आ जाएगा, आप नहीं कर पा रहे तो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर से कर सकते हैं, आपका दोस्त कर सकता है, थर्ड पर्सन भी कर सकता है, जिसके ऊपर से भी ये फूल घुमाया जाएगा 18 बार। घुमाने के बाद चुपचाप जाके बिल्कुल शांत मन से भगवान से प्रार्थना करते हुए कि फलां व्यक्ति का या मेरे ऊपर से जो भी बुरा प्रभाव है वो दूर हो जाए, चलते हुए गंदे नाले में, जो गंदा नाला, सीवरेज, जो जहाँ पे पूरा गंदगी बह रही है, पूरे शहर का पानी बाहर निकल रहा है, ऐसी किसी जगह पे जाके आपने उस गंदे नाले में फ्लावर को आपने डाल देना है। ये उपाय घर पे कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, बाहर जाके कर सकते हैं, गाड़ी में बैठ के कर सकते हैं, रोड के किनारे खड़े होकर कर सकते हैं, कहीं भी आप कर सकते हैं, और ये करना दिन के समय में ही है, और ये करना कब है, फ्राइडे के दिन करना है। फ्राइडे के दिन कब करना है, शाम को 3 से 5 बजे करो तो मच बेटर, नहीं तो पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। ये उपाय आपने 4 फ्राइडे कर दो तो सोने में सुहागा, नहीं तो आप 1 बार 2 बार 5 बार 7 बार जितनी बार आप करना चाहें कर सकते हैं, नुकसान कोई नहीं है, फायदा ही फायदा होगा। फिर भी कुछ अगर आपको जानकारी और चाहिए तो आप मेरी अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात कर सकते हैं। और दोस्तों, उपाय करने से बिल्कुल लाभ होंगे, और मैं चाहूंगा, मैं कहूंगा बार बार कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिश्ता है इसको अगर नहीं चल पा रहा तो आप इससे एग्जिट हो, अपना करियर, अपना समय, अपना जिंदगी बर्बाद ना करें, एक अच्छे दोस्त की तरह बन के रहें। और वैसे मैं ये कहता हूं, जनरली आग और पेट्रोल का कोई मेल नहीं होता, अगर दोस्ती में भी रहेंगे तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चांसेस हैं कि आपको ऐसे लव के रिलेशंस बनने के या ऐसे फीलिंग आने के चांसेस रहेंगे, तो दूर रहें या अपने मन को मजबूत बनाएं कि आप अपने ऊपर इन चीज़ों को हावी नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, ये मेरा खास एपिसोड, अगर आपको अच्छा लगा तो आप दूसरों को शेयर करें, दूसरे दोस्त मित्रों को बताएं और जीवन में आगे बढ़ें। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।